हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम HTML लिंक्स के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम किसी टेक्स्ट पे, हम किसी वेब पेज के टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो कोई और पेज कैसे खुलता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस फोल्डर में, क्योंकि हमें इस पेज पे डिज़ाइन करेंगे कि कैसे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कोई और पेज खुलेगा, तो वो जो नेक्स्ट पेज होगा जो खुलेगा, तो इसी को हम कॉपी कर दे रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं इसको। इसका नाम हम लिख दे रहे हैं link.html, कि इस पे जो mypage.html होगा उस पे क्लिक करेंगे हम तो ये link.html खुलना चाहिए हमें। तो हम इसको बनाते हैं, तो mypage को ओपन करते हैं, ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था img। ठीक है, तो इसके लिए हम ए का यूज करते हैं, ए टैग का यूज करते हैं, और जो फाइल है जिस पे क्लिक करने पे जो HTML पेज खुलेगा उसका लिंक है, उसको हम href से जो रेफरेंस होता है उसका हम यूज करते हैं, उसका एड्रेस डालते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था, और सेम इमेज की तरह ही अगर ये दोनों फाइल अगर सेम फोल्डर में है तो डायरेक्ट हम इसका नाम लिख सकते हैं, जैसे link.html। लेकिन अगर आपका वेबसाइट अगर आपको सर्वर पे डालना है तो लोकेशन में आपको HTTP यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ भी HTTP यूज करके आप सीधे, अगर आपका सेम फोल्डर में दोनों हैं फाइल्स, लिंक फाइल और लिंक्ड फाइल, तो आप दोनों को ऐसे बिना फुल लोकेशन के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ahrf इक्वल टू link.html, और जिस टैग, जिस टेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको वो हम यहाँ लिख देंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक मी, और फिर हम ए को बंद कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि एक यहाँ पे टेक्स्ट लिख के आएगा क्लिक मी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा link.html जो हमारा पेज है वो ओपन होगा। तो हम क्लिक करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं mypage.html से। तो mypage.html को हम ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लिक मी। तो क्लिक मी पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमारा माई फर्स्ट पेज था जो हमने सेव किया हुआ है, देखिए link.html वो ओपन हो गया है। ठीक है, तो एक बार इसको मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा सा कि पता चले कि यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस link.html में हम लिख दे रहे हैं दिस इज लिंक्ड फाइल। ओके, इसको हम सेव कर दे रहे हैं। ठीक, तो अब हम इसको ओपन करेंगे और क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो देखिए दिस इज लिंक्ड फाइल। ओके, सो हमने ये पेज ओपन किया है और दिस इज लिंक्ड फाइल हमने इस फाइल में, इस HTML में लिखा हुआ है। तो क्लिक करने के बाद, ये क्लिक मी पे क्लिक करने के बाद हमारा ये दिस इज लिंक्ड फाइल ओपन हो गया है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।